मेरे प्यारे बहन भाइयों और मित्रों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं रुहोमॉक्स साइड ड्रॉप के बारे में। साइड ड्रॉप को हमें कब, कैसे और क्यों नहीं डालना चाहिए, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम इस साइड ड्रॉप के फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी आंखों में लालपन आता हो, यानी कि आपकी आंखों में लाली आती हो, तो आप उसमें भी इसको डाल सकते हो। या आपकी आंखों में दर्द होता हो, उसमें भी ये आई ड्रॉप ज्यादातर देखने को मिलती है। और यदि आपको खुजली होती हो, आंखों में खुजली आती हो, इशिंग होती हो, तो उसमें भी आप इसको डाल सकते हो। ये आई ड्रॉप आई डिस्चार्ज में भी डाली जाती है। या आपकी पलकों में सूजन आना, यानी कि आपकी पलकों पर सूजन आ गई हो, बहुत से व्यक्तियों में ऐसा देखने को मिलता है, तो उसमें भी आप इस आई ड्रॉप को डाल सकते हो। और इसी के साथ साथ यदि आपको रोशनी में जाने से आंखों के सामने परेशानी होती हो, उसमें भी आप इस आई ड्रॉप को आसानी से डाल सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ साथ बैक्टीरिया कंजिलिटी होना, यानी कि वायरल इन्फेक्शन होना, उसमें भी आप इस आई ड्रॉप को डाल सकते हो। और इसी के साथ साथ आंखों में चोट आ जाना, यानी इंजरी होना, उसमें भी आप इस आई ड्रॉप को अगर डालोगे तो आपकी आंखों में जो चोट लगी हुई है वो आसानी से आपको ठीक देखने को मिल जाएगी। फॉरेवर प्रैक्टिकल चला गया हो, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो आपकी आंखों में, तो दोस्तों आप उस दिक्कत में भी इस आई ड्रॉप को डाल सकते हो। यदि आप वेल्डिंग कर रहे हो बिना चश्मे के, आपकी आंखों में लाली आ गई हो, दोस्तों आप उसमें भी इसको डाल सकते हो। यदि आपका व्हाइट पार्ट में सूजन आ गया हो, यानी कि आपके जो आंखों का व्हाइट पार्ट होता है उसके चारों तरफ सूजन आ गई हो या उसके अंदर सूजन आ गई हो, तो दोस्तों आप उसमें भी इस आई ड्रॉप को डाल सकते हो। यदि आपको सुबह उठने पर आपकी पलके चिपचिपकी महसूस होती है, तो उसमें भी आप डाल सकते हो। या फिर सूजन आती हो, यानी कि पलकों पर सूजन आती हो, उसमें भी आप इसको डाल सकते हो। आंखों में चोट लग गई हो, इंजरी हो गई हो, उसमें भी आप इसको डाल सकते हो। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी आंखों में अल्सर हो गया हो, यानी कि आपकी आंखों में छाले पड़ गए हो, उसमें भी आप इसको डाल सकते हो। इसी के साथ साथ आपके व्हाइट पार्ट में रेडनेस आ गई हो, यानी कि व्हाइट पार्ट पर लाली पन आ गई हो, उसमें भी आप इस आई ड्रॉप को डाल सकते हो। और दोस्तों ये कॉन्सेंसिटिविटी में भी काफी फायदेमंद देती है। और इसी के साथ साथ आंखों में खुजली आना, उसमें भी ये काफी मदद करती है आपको, अगर आप इस आई ड्रॉप को डालोगे। अन्य प्रकार का बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो, उसमें भी आप इसको डाल सकते हो। और इसी के साथ साथ यदि आप वेल्डिंग वाला काम करते हो बिना चश्मे के, आपकी आंखों में लपन आ गई हो, उसमें भी आप इसको डाल सकते हो। या आंखों में इंजरी हो गई हो, उसमें भी आप इसको डाल सकते हो। और तो ये थे इस आई ड्रॉप के फायदे, यानी कि अगर आप इन इन दिक्कतों में इस आई ड्रॉप को डालोगे तो आपकी ये दिक्कतें रिमूव हो सकती है, यानी कि खत्म भी हो सकती है, और आपको धीरे आराम भी मिल सकता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस आई ड्रॉप को कब, कैसे और कहां डालना चाहिए। दोस्तों इस आई ड्रॉप को आंखों में लाने से पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो ले, और यह निश्चित कर ले कि आपकी जो आई ड्रॉप की नोब है, ऊपर जो टिप है, उसको आप टच ना करें। यदि आप उसको टच करोगे तो उसके अंदर बैक्टीरिया चला जाएगा। और जिस व्यक्ति की आंखों में इसे डालना है, तो उसकी गर्दन ऊपर करे या फिर उस व्यक्ति को लेटा दे और आंखों को नीचे से पकड़ कर पूरा खोले और इस ड्रॉप को आंखों में डाले, और फिर कम से कम उसकी आंखें 2 से 3 मिनट तक बंद रखे, जिससे कि उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सके। इस आई ड्रॉप को आप दिन में 2 से 3 बार भी डाल सकते हो, या 2-2 बूंद एक बार भी डाल सकते हो। और इसके अलावा जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करे, यानी जितनी आपको डालने को बताए, उस प्रकार भी आप इसको डाल सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ साथ आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, किसी भी प्रकार की आई ड्रॉप बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि आंखें है तो रोशनी है, जान है तो जहां है, वरना सब मिट्टी समान है। हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है। वैसे तो इसके कुछ खासकर साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे ऐसे देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आंखों में एकदम से चुभन हो सकती है, अचानक से आंखों में जलन महसूस हो सकती है, या रेडनेस अचानक से बढ़ सकती है, आंखों में दर्द या सूजन आ सकती है अचानक से कुछ समय के लिए, या किसी व्यक्ति में सर दर्द आ सकता है, या चक्कर आ सकता है, ये किसी किसी में आ सकता है, सब में नहीं। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट है।
तो दोस्तों इन सभी के साथ साथ यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, यदि आई ड्रॉप पर ईयर ड्रॉप लिखा हुआ है तो आप उसको कान में डाल सकते हो, या ईयर ड्रॉप नहीं लिखा है तो आप उसको नहीं डाल सकते। दोस्तों अगर आप इस आई ड्रॉप को यूज कर रहे हो और आपको इससे कोई भी परेशानी या तकलीफ या किसी भी तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिला हो तो तुरंत इस आई ड्रॉप को डालना बंद कर दे, घबराए नहीं और अपने डॉक्टर से संपर्क करे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप समझ गए हो। तो दोस्तों साइड ऑफ इन्फ्लेमेशन फुल जानकारी दोस्तों का हमारे चैनल पर नए नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।